एनआईटी फरीदाबाद स्थित डीजी पब्लिक स्कूल और शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते 10वीं कक्षा के 30 बच्चों का भविष्य आज उस समय दांव पर लग गया जब बच्चों को परीक्षा के पहले पेपर वाले दिन रोल नंबर नहीं मिली, जिस पर स्कूली बच्चे और उनके परिजनों ने सोना रोडू को जाम कर दिया और कई बच्चे तो सड़क पर भी लेट गए। बाद में पता चला कि डीजी पब्लिक स्कूल मान्यता प्राप्त ही नहीं है। इस बात की पुष्टि उस वक्त हुई जब मौके पर पुलिस और शिक्षा विभाग की अधिकारी वहां पहुंची, लेकिन तब तक स्कूल प्रिंसिपल और टीचर वहां से भाग चुके थे। मौके पर पहुंचे इलाके के समाज सेवियों ने इसे जहां स्कूल द्वारा की गई चीटिंग बताया, वहीं जिला शिक्षा विभाग पर भी सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का शिक्षा विभाग को क्यों नहीं पता लगा। लोगों का कहना था कि बच्चों का जो ये एक साल खराब होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा। भैया इनका भविष्य खराब हो जा रहा है, एक साल इनके पीछे आ जा रहा है जी। पेपर इनका रोल नंबर नहीं मिला, इनका पेपर है आज और इन्हें आज तक ये नहीं पता इनका सेंटर कहाँ है, रोल नंबर कुछ भी नहीं पता जी इन्हें। अच्छा, एक कौन है जो स्कूल के प्रिंसिपल है? स्कूल के जी प्रिंसिपल जी एक हमारे खान साहब हैं, आजाज खान। आजाज खान, कितने कितने साल से स्कूल है यहाँ पर ये? जी करीब करीब 5-6 साल है। कुछ बताया जा रहा है स्कूल की मान्यता प्राप्त नहीं है? जी मान्यता प्राप्त नहीं है जी। तो फिर कैसे इलाके में लोग? ये जी पता नहीं सरकार क्या कर रही है और कैसे कर रही है, ऐसे पेपर दिए जा रहे हैं इसमें बालकों के। अच्छा, तो और भविष्य खराब हो जा रहा है जी सारे बालक ने। यहाँ पे 30 बालक है जी, 10 एक लड़की होंगी और 20 एक लड़के हैं, इन सबका भविष्य खराब हो जा रहा है यहाँ पे। बच्चों का रोष क्या है आज जी? बालक इस समय बहुत गुस्से में है, तोड़फोड़ करना चाहते हैं, पर अभी समझाया जा रहा है कि इनका पेपर हो जाएगा और सोना रोड जाम कराते हैं इन्होंने, पर कैसे समझाया गया जी ने। बिना शिक्षा अधिकारी आए हैं, क्या कह रहे हैं जी? शिक्षा अधिकारी कोई भी नहीं दिख रहा है, ना टीचर दिख रहे, ना मास्टर दिख रहा, कोई भी नहीं है इस समय। पुलिस वाले भी बस इन्हें वो दे रहे हैं कि हाँ जी दिवा देंगे दिवा देंगे, पर कुछ नहीं हो रहा जी।